खत्म हो जाएगा थोड़ा देर बाद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पोलटॉक का यूट्यूब चैनल। मैं हूं संतोष कुमार पांडे। बिहार में बाढ़ है, फिर भी नीतीश की सरकार है। सरकार तो नीतीश की वहां कई सालों से चल रही है, मगर अगर आप उसको देखेंगे, उनके कारनामों को समझेंगे, तो लगता नहीं कि सरकार कोई जिंदा सरकार है, क्योंकि वहां स्थिति जो है वो लगातार दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। या नीतीश कुमार ने मान लिया है कि अब उनकी सरकार नहीं आने वाली है, तो पैसा खर्च करने की जगह उसे बचा करके चुनाव में लड़ने के लिए रखा जाए। या जो भी है, 1996-97 में जिस पटना के राजनगर में कभी बाढ़ जैसी स्थिति बनी थी, आज वह नाव चल रही है। लगभग 20-23 साल के बाद भी सरकार ने कोई सबक नहीं लिया। या बीजेपी फेल हो रही है या नीतीश की सरकार, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री ने अभी पिछले दिनों जिस तरह से अपने हरकतों के द्वारा वहां प्रदर्शन किया, उसे लग गया स्वास्थ्य मंत्री फेल हो चुके थे। अब नगर विकास मंत्री का मौका था तो वही फेल दिखाई दे रहे हैं। दोनों भाजपा के हैं और सरकार तो नीतीश कुमार की है। जरा आपको चर्चा करते हैं कि बिहार में बाढ़ के बाद किस तरह से लोगों की मौतें होती हैं। अभी तक 23 लोगों की मौतें हो चुकी हैं और पुनपुन नदी दक्षिण जो बिहार में है, अगर वहां थोड़ा स्थिति गड़बड़ होती है तो लगता है कि बिहार में एक बार फिर आफत आने वाली है। जरा हम कुछ डेटा पे चर्चा कर लेते हैं। जो बिहार की स्थिति खराब करके रख दिया गया है, उसके बारे जिम्मेदार कौन है? दरअसल पटना तो अभी बाढ़ पानी की वजह से इस तरह से हो रहा है, बारिश की वजह से, मगर बिहार में कुल 14 जिले ऐसे हैं जहां पर बाढ़ की स्थिति हमेशा बनी रहती है, जहां के लोगों का जीवन नर्क के समान हो चुका है और लोग परेशान हैं। अस्पतालों में पानी बढ़ रहा है। नालंदा मेडिकल कॉलेज में पानी भर चुका था और उसका वीडियो भी सामने आया। ये पहली बार नहीं है, लगातार बिहार के हर बारिश के मौसम में ये होता है। एक लड़की जो निफ्ट की है, नेशनल जो निफ्ट की लड़की है, एक लड़की उसका नाम है अदिति सिंह, उसका कहना था कि अगर हम इस तरह की फोटो शूट करेंगे तो लोगों का बिहार की तरफ ध्यान जाएगा। हालांकि उसका भी तरीका बहुत ही अच्छा है। अदिति सिंह का तरीका अच्छा है, लेकिन रिक्शे वाले का भी तरीका अच्छा है। वो बेचारा बाढ़ में फंसा है, रो रहा है और उसे अपने रिक्शे की चिंता है, क्योंकि वो उसी से जीता और मरता है। उसे बाढ़ सरकार से कुछ लेना देना नहीं है। तो आखिर बिहार में कब तक चलेगा? जरा हम कुछ डेटा पे चर्चा कर लें, कुछ जिलों की बात कर लेते हैं। 2017 में 19 जिले प्रभावित थे, जिसमें लगभग 500 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई थी और करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, मगर सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सरकार तो नीतीश की है और बाहर भी नीतीश का ही रहता है। अभी विज्ञापन चल रहा था कुछ दिनों पहले कि नीतीश कुमार क्यों करे विचार जब नीतीश ही ठीक है। अगर नीतीश ऐसा ही ठीक है तो आगे क्या होगा, भगवान जाने। तो दोस्तों, आप देखते रहें पोलटॉक की खास रिपोर्ट। अच्छा लगे कमेंट जरूर करें और हमें अपडेट करें। बिहार में स्थिति खराब है, सरकारें हर जगह होती हैं, स्थितियां हर जगह खराब होती हैं, मगर नीतीश कुमार को पता नहीं क्या लगता है कि उनकी सरकार को लेकर के क्या चल रहा है, तो उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए पोलटॉक की खास रिपोर्ट। अच्छा लगे कमेंट जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि मैं लगातार बिहार, झारखंड, हरियाणा और दिल्ली, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के साथ ही साथ इन चीजों को दिखाता रहूंगा। तो आज बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।